हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका पुनः अनूप केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अब तक पढ़ रहे हैं अल्कोहल बनाने की विधियां। हमने पहली विधि पढ़ी एल्कीन से, दूसरी पढ़ी हमने आरएमजीएक्स से, तीसरी पढ़ी हमने कार्बोनिल कंपाउंड से। अब इन विधियों में हमने देखा कि विभिन्न प्रकार से डिफरेंट तरीके से हम अल्कोहल का निर्माण करते आए हैं, राइट? अब जो हम विधि पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स, आर एक्स। हेलो एल्केन का सिंबल क्या होता है? आर एक्स, आपको बताया होगा, राइट? देखिए क्या कह रहा है, जब आर एक्स की क्रिया, किसकी क्रिया? आर एक्स की क्रिया जलीय NaOH ले लो या KOH ले लो या नमी युक्त Ag2O से, RX की क्रिया किस किस से करा है? NaOH से करा दो, KOH से करा दो, नमी युक्त H2O से करा दो, तो क्या बनेगा? क्या लिखा गया है, क्या बनेगा? अल्कोहल बनता, ROH बनता है। देखिए विद्यार्थी कैसे, RX सिंपल साइज, बहुत ही सिंपल है, NaX बार हो जाएगा, X क्या है यहां पर? हैलोजन है, एल्केन के साथ जुड़ा हुआ, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें Ag2O के साथ, देखो इसको बिल, ये बिल्कुल लीजिए RX, नमी युक्त है, इट मीन्स H2O होगा प्लस Ag2O। चलो यही पे मैं दो RX लिख देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, R X R दोनों अलग लिख दिया हमने, H O H Ag2O की स्ट्रक्चर देखो, AgOH, एक OH, दो OH, ध्यान से देखिए कितने OH का निर्माण हुआ, एक OH, दो OH, एक OH R के पास गया ROH, इस वाले के पास एक और गया ROH, तो कितने बन गए, दो ROH। और AgX कितने AgX बनेंगे, कितने सिल्वर के लवण बनेंगे, AgX, कितने AgX हो जाएंगे, दो, टू AgX हो जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है एस्टर का जल अपघटन कराने पर, एस्टर का जल अपघटन सिंपल सा ही है, हम एक बार करवा भी चुके हैं आपको, RC, राइट, जल अपघटन कराओ इसका, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, ROH, और जो ये R यहां से निकल के आएगा उसके पास कौन चला जाएगा, ध्यान से देखो R, ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या बन गया, एल्कोहल। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए, किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ROH, RCOOH। नेक्स्ट है एमीन की क्रिया। अब ये जो एमीन है, देखिए स्टूडेंट, ये एमीन भी चक्करीय और अचक्रीय, चक्कर पे चक्कर जब चलता है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता ही है, लेकिन हम ले रहे हैं अचक्रीय की, चक्कर नहीं है, अचक्रीय है, तो उसमें हम जब अचक्रीय की क्रिया HNO2 से कराएं, अचक्रीय की क्रिया किससे कराएं, HNO2 से कराएं, HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक होता है, HNO2 नाइट्रस होता है, ठीक है। जब एमीन, अब एमीन भी कैसा है, वन डिग्री एमीन से तात्पर्य है कि जो एमीन है उससे केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमीन से
यानी कि जो एमीन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री। एमीन एक कार्बन से जुड़ रहा है तो एमीन होगा 1 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जब एमीन की क्रिया HNO2 से कराई जाए तो क्या बनती है, एल्कोहल बनती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी है कि HNO2 कैसे बनाया जाता है, HNO2 को NaNO2 और HCl से तैयार किया जाता है। HNO2 को किससे तैयार किया जाता है, NaNO2 प्लस HCl से। तो हम फर्स्ट में किसको तैयार करेंगे, SNO2 को। देखो भाई NaNO2 प्लस HCl, ये देखो बॉक्स में दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, चेक कर लेता हूं। हाँ, NaNO2 प्लस HCl, अब ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये HNO2 प्लस NaCl। देखो ध्यान से देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा का ऐसा आपको लिखना है, अच्छी प्रकार से देखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ओके। अच्छा, अब हम किसकी प्राथमिक एमीन की क्रिया, आर एन एक एच दो, आर एन एच टू प्राथमिक एमीन, एमीन ग्रुप है ये, एमीनो। अब किससे कराएं, देखो बिल्कुल आराम से देखना है, मैं इसी के नीचे लिख देता हूं HNO2 को, कहो समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। ये HNO2 की स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, HNO2 की, ध्यान से देखो इसको। अब मैं एक एक चीज बना रहा हूं, देखो जो गोले में आ रहा उस पर ध्यान देना, क्या बना, H2O, जुबान पे रहना चाहिए H2O। N2 ROH, समझ में आया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ROH, सॉरी देख लेता हूँ, आपको ये दिखाई दिया नीचे तो नहीं दिखाई दिया भाई, हो सकता है बोर्ड, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को, सभी को क्लियर दिख रहा है, HRNH2HNO2, दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन कनेक्टिंग टू ईच अदर फॉर्म H2O, ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे आपस में जुड़ के H2O का निर्माण करती हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर दिया, ROH एल्कोहल बन गया। अब देखिए यहां पर देखिए बिल्कुल कोने में नोट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, नोट, चक्रीय एमीन प्लस HNO2, जब चक्रीय एमीन हो, क्या हो, जब चक्रीय एमीन हो, चक्कर पे चक्कर चलाएं तो उसमें डाई एजोनियम लवण बनता है, आर निकी जो उसमें निकी N2X बनता है, डाई एजोनियम पढ़ाया हुआ है आपको, CH3NH2, ये ध्यान देना CH3NH2 पूरा सर, ये भी तो प्राथमिक ही एमीन है, बिल्कुल प्राथमिक एमीन है, लेकिन ये यानी कि मैथिल जो एमीन है, कौन है, मैथिल जो एमीन है वो HNO2 से क्रिया करके, मैथिल एमीन HNO2 से क्रिया करके मैथेनॉल नहीं बनाएगा, एक्स क्रॉस लगा रखा है, यानी कि मैथिल एमीन HNO2 से क्रिया करके मैथेनॉल नहीं बनाता है, तो बोलो क्या बनाता है, क्या बनाता है, ROR, ईथर का होता है ये, किसका होता है ये, ईथर का होता है, तो ये ईथर बनाएगा, ROR ईथर बनाता है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मैथिल एमीन नहीं लेना है, कभी मैथिल एमीन ही ले लो,
और यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में आप दो कार्बन भी तीन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको CH3NH2 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें मैथेनॉल नहीं बनता है, उसमें बनते हैं तो क्या बनता है, इसमें दो मोल लिया जाता है फिर उसका, तो क्या बनता है, मैथोक्सी मैथेन बनता है। क्या बनता है? मैथोक्सी मैथेन बनता है, जो कि अपन को प्रोडक्ट बनाना एल्कोहल है, जो कि अपने लिए क्या होगा, फिर ये गलत होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट विधियां कराएंगे। छह विधि हो गई है, कोई दो तीन और बच रही है, आज विधि को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भौतिक गुण भी देख लेते हैं। ठीक है, कर दूं, इरेज कर दूं? ओके बेटा, अभी इरेज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं सातवां पॉइंट, ईथर से। देखिए स्टूडेंट, ईथर का जो फॉर्मूला होता है ROR होता है, इसका पहचान होती है ROR। इसका मतलब किन्हीं भी दो कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच क्या हो, एक ऑक्सीजन हो। देखो ये तो कीटोनिक होता है, लेकिन वो कह रहा है ROR, ईथर। एक मोल ईथर से दो मोल एल्कोहल बनाए जाते हैं। एक मोल ईथर से कितने मोल? दो मोल एल्कोहल बनाए जाते हैं। देखिए कैसे, बोलो वाओ। एक मोल ले और दो मोल प्राप्त करें। जब ईथर का जल अपघटन कराएं, ईथर क्या कराएं? जल अपघटन कराएं। किसकी उपस्थिति में? तनु H2SO4 और उच्च दाब की उपस्थिति में। जल अपघटन कराना नहीं भूलिएगा। जल अपघटन पता है आपको, H+OH- टूटता है तो क्या बनता है? एक मोल ईथर से दो मोल एल्कोहल बनते हैं। कब? जब ईथर का जल अपघटन कराया जाए तनु H2SO4 और उच्च दाब की उपस्थिति में करवाया जाए। तो देखिए स्टूडेंट, ROR सिंपल ईथर है, डाइल्यूट H2SO4, उच्च दाब लिख देता हूं। ठीक है, सिंपल सा देखो, सिंपल सा, सिंपल सा। कौन किसके पास जाएगा? ROH कितने मोल? दो मोल। बिल्कुल आराम से देखिएगा, सिंपल सा देखिए, समान है ये तो, सेम है ये तो, ROR, राइट? इसका मतलब इधर भी एल्किल ग्रुप सेम है, इधर भी एल्किल ग्रुप सेम है। जब मिक्सचर इथर लें, इसका मतलब R डैश का मतलब क्या है कि ये जो एल्किल ग्रुप है डिफरेंटिव है। यहां पर कितने भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, दो कार्बन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिफरेंटिव है। ठीक है बेटा, आप देखो वो ही सेम वही प्रोसेस चलेगा, सेम वही डाइल्यूट H2SO4, वही उच्च दाब। और अब इसमें क्या बनेगा? ROH+R-OH। जैसे एग्जांपल के लिए इधर ले लेते हैं अपन, CH3O C2H5 ले लिया अपन ने। इधर तो एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? दो। तो ये C2H5 बन जाएगा और ये CH3OH बन जाएगा। देखो इसका भी करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। टूटा, ये H इसके पास गया, ये इसके पास गया, CH3OH+C2H5OH इस टाइप से बन जाएगा। ये मिक्सचर के लिए है, मिश्रण। मिक्सचर इथर, मिक्सचर इथर, यानी कि मिश्रण है, उसमें समान एल्किल ग्रुप, जितने एल्किल इधर है उतने ही इधर है,
इसमें आर डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या, डिफरेंटिव कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस, किण्वन क्रिया, किण्वन क्रिया अपने घर में डेली देखते हैं किण्वन क्रिया क्या होती है क्या नहीं होती। संकुल यौगिक जो बड़े यौगिक हैं उनको साधारण यौगिकों में तोड़ा जाता है, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। संकुल यौगिक साधारण यौगिकों में एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बड़े यौगिक हैं वो छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, और साधारण यौगिक एंजाइम से फिर क्या बनाए, एल्कोहल बनाए। तो यही पूरा प्रोसेस क्या है, किण्वन है। जैसे आपने देखा होगा दूध, देखा है दूध को हम दही में परिवर्तित करते हैं, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसमें हम उसमें शर्करा होती है लैक्टोज, और उसमें जामुन डालते हैं, राइट, और उसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन क्रिया करते हैं और उनको तोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपना दूध से क्या बनता है, दही बनता है। संकुल यौगिक साधारण यौगिकों में एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित होते हैं, किसकी उपस्थिति में परिवर्तित होते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में, और साधारण यौगिक एंजाइम से किसमें, अल्कोहल बनाएंगे। देखो कैसे, C2H5 12H2O11+H2O, तो एच 22 और 2 24 ओ 11 और 1 शर्करा है ये, राइट। अब जब इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन कराया तो ये टूटा किस किस में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। देखने से आपको ये लग रहा है कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, राइट, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बेटा, लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक में कीटो समूह होता है, इसमें टॉस में क्या, कौन समूह होता है, कीटो, ठीक है बेटा। अब हम इसको अच्छी प्रकार से डीपली जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अब हमने फिर क्या किया, ग्लूकोज ले लिया, क्या लिया, ग्लूकोज लिया, और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम, देखो क्या लिखवाया है, जो ग्लूकोज लिया हमने उसको जाइमेज एंजाइम से किण्वन कराया, जाइमेज एंजाइम से किण्वन कराया तो क्या बना, एथेनॉल बना, 2CO2 बाहर होगी, वेपर गैस, समझ में आया, ये एथेनॉल है 2CO2, ये देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही, 10 और 2 12 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 सॉरी 6 कार्बन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन होगी, इक्वल है, राइट। अब वाटर गैस द्वारा, वाटर गैस द्वारा किस प्रकार से हम एथेनॉल का सॉरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं, देखिए सबसे पहले कार्बन को, कार्बन प्लस H2O, उनको रक्तपथ नली में गर्म किया, रक्तपथ नली में गर्म किया तो क्या बनी, वाटर गैस। सबसे पहले हमने क्या तैयार की, वाटर गैस, वाटर गैस का हमने रिडक्शन कराया, अपचेंज कराया, ये देखिए किस किस की प्रेजेंटेशन में, देखो उत्प्रेरक बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगाया गया है, एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर हमने देखा कि जो वाटर गैस है उसका जो अपचेंज कराया, अपचेंज कराने से देखो क्या बना, मेथेनॉल बना, CO+H2+H2, ध्यान से देखिए किस प्रकार से बना, सी डबल बॉन्ड ओ, भाई इसकी जो स्ट्रक्चर होती है देखो, CH, कितने हाइड्रोजन थे, 4, 1, 2, 3 कनेक्ट हो गए, एक हाइड्रोजन कहां से कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन के साथ, CH3OH क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है अपना, वो है ऑक्सीरेन द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीरेन से, कि हम ऑक्सीरेन से किस प्रकार से एल्कोहल बना सकते हैं, ऑक्सीरेन से हम किस तरीके से एल्कोहल बना सकते हैं। ऑक्सीरेन देखिए, ऑक्सीरेन RMGX, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रिग्नार विकर्मक होता है, जब इसका विखंडन होता है, विदलन होता है, R अलग हो जाता है, MgS अलग हो जाता है, ध्यान रखना ये R और ये MgX कनेक्टिंग हुए, टूटेंगे ये, R अलग, MgX अलग, यौगोत्पाद बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनेगा, और जो मध्यवर्ती यौगोत्पाद बना है उसका हम क्या कराएं, जल अपघटन, हमने आपको RMGX में पढ़ाया होगा,
RCHO, HCHO, RCOR वाला प्रोसेस याद आया होगा आपको। उसमें हम फिर क्या करते थे, जल अपघटन कराते थे, सेम वही प्रोसेस है। फिर क्या बनेगी, एल्कोहल बनेगी, एथिलीन ऑक्साइड है। ये क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड RMGX, देखो विखंडन हुआ R से MGX का, और इससे इसका हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ध्यान से देखो, आंशिक पार्शियल को बोलते हैं आंशिक। नेगेटिव किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। देखो अभी ये जो पैकिंग जो है ये ओपन हो जाएगी, आर आर किसके साथ जुड़ जाएगा, सी एस टू के साथ जुड़ गया, सी एस टू। अब जो ये ओ बचा, इससे कौन जुड़ेगा, एम जी एक्स, क्या बन गया, सॉरी ओ एम जी एक्स। ध्यान से देखो, CS2 जो पार्शियल पॉजिटिव था, पार्शियल नेगेटिव कनेक्टिंग हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, और जो ये ओपन मान आंशिक ऋणायन आया था उस पे आंशिक धनावेश कनेक्ट हो गया। अब देखो आगे क्या कराएं, मध्यवर्ती योगोत्पाद बना है, ये मध्यवर्ती योगोत्पाद। अब हम क्या करा दें इसका, जल अपघटन, क्या कराए बेटा, जल अपघटन। जल अपघटन कराने का मतलब क्या है, H प्लस OH माइनस, टूटेगा ये बॉन्ड, तो ये H कहां जाएगा, H जाएगा O के पास, H किसके पास जाएगा, O के पास, MgX बाहर निकल के आएगा OH के साथ, क्या बन जाएगा, R CH2 CH2 OH प्लस MgX और ये OH। ये आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो हमने RMGX से क्रिया कराई थी, इस प्रकार से जितनी भी हमें इसकी बनाने की जो विधि थी अपने सिलेबस में वो लगभग लगभग पूरी हो गई है। कल से इसकी भौतिक गुण स्टार्ट होंगे और रासायनिक गुण। तब तक के लिए बने रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा।